नमस्कार, आपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्री केदार मंदिर समिति के निर्वर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद थपलियाल जी और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप चौहान के आकस्मिक निधन पर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहन प्रसाद थपलियाल का जाना पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि उनके स्वयं के लिए भी यह बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। श्रेष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने सदैव पार्टी में अनुशासन को पसंद किया, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ। मैं लगभग 27-28 वर्षों से मैंने उनको नज़दीक से देखा और हमको साथ साथ काम करने का मौका मिला, संगठन में हो चाहे सरकार में हो। बहुत सही रही। और वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 पुलों का लोकार्पण किया। बीआरओ की ओर से पिथौरागढ़ जिले में ये 8 पुल बनाए गए। इन पुलों के बनने से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी। तो वहीं कांग्रेस ने भी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस शासनकाल में इन पुलों की स्वीकृति हुई थी, अच्छी बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलों का लोकार्पण किया है। अच्छी बात है, विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस सड़क की स्वीकृति कांग्रेस के ज़माने में हुई थी, सिर्फ पुलों की क्या नाम उद्घाटन की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि सड़क भी बहुत अच्छी बने, ताकि हम जो है, क्योंकि सीमा पार जो है चीन है, उससे जो है जो तनाव की स्थिति है, इस स्थिति में जो है हम उसके समकक्ष खड़े हो सके, तो अच्छी सड़क भी होनी चाहिए। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 के प्रस्तावित कार्यों को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इस बार 10 दिन पहले गंग नहर बंद करने का आदेश जारी किया है। 15 और 16 अक्टूबर को गंग नहर बंद किया जाएगा। गंग नहर बंदी के दौरान हरिद्वार में कई घाटों के निर्माण कार्यों और अन्य दूसरे कुंभ मेले के निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा। सिंचाई विभाग की तरफ से गंग नहर के मरम्मत कार्यों को भी किया जाएगा। इन सभी कार्यों की फोटोग्राफी ड्रोन कैमरे द्वारा की जाएगी। इसे 14 और 15 नवंबर को खोला जाएगा। वहीं ऊपरी गंग नहर बंदी से निचले इलाकों में भी जल की आपूर्ति बाधित होगी। गंगा बंदी का आदेश जो है 15-16 की मध्यरात्रि से लेकर 15-16 की मध्यरात्रि अक्टूबर से लेकर और 14-15 की नवंबर तक एक महीने के लिए कुंभ के कार्यों के हेतु बंद की गई। शीर्ष से बंद की जाएगी। हर की पौड़ी पे पानी की स्थिति जो भगीरथी बिंदु से जैसे हम लोग देते आए हैं उसी तरह से देंगे। कुंभ में घाटों वाटों के निर्माण होने हैं, उसी तरह के कार्य, और फिर नीचे जो है कुंभ नीचे तो खैर संबंधित वैसे कार्य रहते हैं, लेकिन जो मेन कार्य है कुंभ के वो जो है। ऋषिकेश में महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना लॉकडाउन और अनलॉक की वजह से महंगाई चरम पर है। सब्जियों के दाम लॉकडाउन की अपेक्षा 5 गुना तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में बेरोजगारी की मार झेल रहे गरीबों के सामने 2 टाइम की रोटी खाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस नेता जयपाल जाटव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर आक्रोश व्यक्त किया, तो साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया तो कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी।
हमारा प्रोग्राम था देश प्रदेश में बेहतशा महंगाई बढ़ रही है, कोरोना महामारी में लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई की स्थिति की गैस सिलेंडर के दाम देखे, पेट्रोल के दाम देखे, सब्जी की स्थिति ये हो गई कि 50-60 रुपए किलो प्याज है, टमाटर है, तो गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। अब इस महंगाई में गरीब आदमी अपने बच्चों को गुजारा कैसे करें, रोजगार मिल नहीं रहा, जब रोजगार मिल रहा है भुखमरी की समस्या, तो आज इस चक्कर में इस वजह से हमने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का सही पुतला फूंका कि होश में आए। अगर नई सरकार होश में आई तो हम इसको आंदोलन को बड़ा करेंगे, आंदोलन चलता रहे। उधर उप जिला संयुक्त चिकित्सालय मसूरी के माध्यम से बार्लोगंज में कोरोना जांच का निःशुल्क शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा के सांसद प्रतिनिधि विकास चौहान ने किया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के तत्वाधान और संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष और मसूरी प्रभारी माधुरी टम्टा मौजूद रहे। कोरोना जांच शिविर वार्ड नंबर 2 बरलोगंज मसूरी के श्री सनातन धर्म सभा मंदिर धर्मशाला में लगाया गया और इस मौके पर विकास चौहान ने लोगों से अपील की कि कोरोना को रोकने के लिए जागरूक रहें और कोविड की जांच करवाएं। इस मौके पर कोविड अधिकारी डॉक्टर जावेद ने कहा कि बार्लोगंज में 50 लोगों के टेस्ट किए गए, वहीं कहा कि लोग कोविड टेस्ट करवाने से डर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जागरूक होकर इस महामारी में सहयोग करना चाहिए। आज तकरीबन यहां पे 50 परीक्षण हुए हैं और बार्लोगंज की जनता से आप लोग भी अनुरोध कीजिए और हम भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बार्लोगंज क्या पूरी मसूरी के लिए सरकार जगह जगह पे कैंप लगा करके नागरिकों का कोविड टेस्ट करवा रही है, तो उसमें सहयोग करें, हमारी अपेक्षा है और सबसे अनुरोध है सहयोग का। लोग सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, ना जाने क्यों इस बात से डर रहे हैं कि कोविड टेस्ट कराएंगे तो कोविड पॉजिटिव निकल आएगा, ऐसा नहीं है। भ्रांति व्हाट्सएप की दुनिया से जो भ्रांति आई है लोगों के दिमाग में, उसको दूर करना आपका भी काम है और हमारा भी। लोगों से ये अनुरोध है कि इस भ्रांति को दूर करें। मैं ये चाहती थी, मैंने ये अपने जो हमारे मसूरी के जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ मैंने एक वो रखा था, अपनी बात रखी थी कि सर मैं अपने वार्ड में कैंप लगाना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों को जो है कोविड टेस्ट करवाना चाहती हूँ, तो इसलिए उन्होंने मेरी बात को मान करके यहाँ पर कैंप लगवाया है, जिसमें कि यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया है और कुछ जनता को जागरूक करने की आवश्यकता भी है इसमें, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो डर के मारे घर से नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि कहीं अगर हम पॉजिटिव आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें एम्बुलेंस में डाल करके जो है को उसमें क्वारंटाइन ना कर दिया जाए, इस भय के मारे लोग आ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग जागरूक हों और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जो है आपको घर में ही क्वारंटाइन होना है और जितना ज़्यादा सहयोग आप कर सकते हैं इसमें सहयोग करें, क्योंकि टेस्ट आज भी कराना और कल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सीमा से सटे 7 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 44 पुलों का ई उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें इन सभी पुलों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की अलग अलग सरहदों पर बने इतनी बड़ी तादाद में पुलों का एक साथ उद्घाटन किया गया। पिछले 4 महीने से चीन से चल रही तनातनी के चलते बीआरओ दिन रात एक कर सीमाओं की नदी नालों पर पुलों का निर्माण कर रही है, लेकिन इस कड़ी में अब कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है। आपको बता दें इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि पुल के साथ सड़कें भी अच्छी बननी चाहिए, लिहाजा बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए जब पुल बनेगा तो सड़कें भी बनेगी और जहां पुल बनाए जा रहे हैं वहां सड़कों का भी निर्माण तेजी से किया जाएगा। आज देश में विकास हो रहा है, कांग्रेस सिर्फ आलोचनाएं कर रही है। सामरिक दृष्टि से पुलों का भी महत्व है, सड़कों का भी महत्व है। कांग्रेस के मित्रों को यह समझना चाहिए जब पुल बन रहा है तो निश्चित रूप से सड़क भी बनेगी और जितनी चौड़ी सड़क बनेगी उतने ही चौड़े उतने ही भव्य जो है पुल भी बनेंगे। इसलिए पुल वहीं बनाए जा रहे हैं जहां सड़क बन रही है, जहां सड़क है सड़कों पर ही पुल बनते हैं। कांग्रेस के मित्रों को यह समझना पड़ेगा। कांग्रेस तो आलोचना करेगी, कांग्रेस को नहीं लगता कि राज्य में कोई विकास हो। हम विकास कर रहे हैं और विकास तेजी के साथ राज्य में हो रहा है। राज्य की सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं, राज्य में पुलों का भी निर्माण हो रहा है और सीमाओं पर हमारे पुलों का बनना हमारे लिए महत्व अच्छी बात है। विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस सड़क की स्वीकृति कांग्रेस के जमाने में हुई थी, सिर्फ पुलों की क्या नाम
उद्घाटन की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि सड़क भी बहुत अच्छी बने, ताकि हम जो है, क्योंकि सीमा पार जो है चीन है, उससे जो है जो तनाव की स्थिति है, इस स्थिति में जो है हम उसके समरक्ष। वहीं देहरादून पुलिस को सुनार लूटकांड में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूटकांड में फरार चल रहे दो आरोपियों में से एक को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई ज्वेलरी बरामद कर ली है। आपको बता दें, पुलिस लूटकांड में दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपियों के पकड़े जाने से फिलहाल पुलिस ने राहत की सांस ली है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह कबाड़ का काम करता है। जो पटेल नगर में एक सुनार को गोली मार के उससे उसके ज्वेलरी से भरा बैग और उसमें कुछ कैश था, जो लूट की घटना हुई थी, उसमें हम लोगों के द्वारा जो है वो टीम लगाई गई थी। और पूर्व में ही जो है टीम द्वारा दो अभियुक्त को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था बुलंदशहर से, जिसमें मेन जो है वो राहुल पंडित व नदीम की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बयानों में आया कि इसका जो मेन मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा रेकी की गई थी और ये पूरा ऑपरेशन जो है उसे कैसे अंजाम देना है उस संबंध में जो जिसने कार्य किया था, उसका नाम नईम था। तो उसके लिए हमारी टीम लगभग पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, थाना भवन वगैरह में लगातार जो है दबिश दे रहे। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के रुहाल के दयालपुर गांव में एक शिक्षक के घर गुरुवार को देर रात हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने आरोपी दीपक सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके पास से दो अवैध तमंचे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए। अब पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है। घटना का खुलासा करते हुए SP देहात SK सिंह ने बताया कि आरोपी दीपक सैनी के शिक्षक के बेटे के साथ पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते वो अपने साथियों के साथ मिलकर दो बार रात के समय शिक्षक के घर फायरिंग की घटना को अंजाम दे चुका है। सात IPC के दो अभियोगों 365 और 336 IPC के अभियोगों में वांछित अभियोग दीपक सैनी पुत्र स्वराज सैनी निवासी प्रेमराजपुर भगवानपुर को भगवानपुर थाने की पुलिस टीम के द्वारा कुरुक्षेत्र हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त की निशानदेही पर दो तमंचे, एक 315 बोर और एक 12 बोर व दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उससे पूछताछ में उसके अन्य साथी अभियुक्तों विशाल, परवेज और रवि उर्फ काका के बारे में जानकारी मिली है और उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास निरंतर जारी है। वर्तमान में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रचलित है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के जियापोता के लक्सर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल इस मार्ग पर डंपर और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि डंपर ट्रक के पास दुकान में जा घुसा और पिकअप चालक गाड़ी में फंस गया। स्थानीय लोगों द्वारा इस भीषण एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर सर्विस को बुलाया। इसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद पिकअप में फंसे चालक को बाहर निकाला जा सका। दो गाड़ी आपस में भगाने के चक्कर में स्पीड इनकी ज़्यादा थी ट्रक वालों की, इसमें खनन का सामान भरा हुआ था। सारा दुकान का शटर टूट गया है, दीवार टूट गई, बीम टूट गया है। लगभग 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान है महाराज जी। पुलिस वाले आए थे, जान माल का तो यहाँ अभी ये ड्राइवर था उसका, जो ट्रक में फंसा हुआ था स्टेयरिंग के बीच में, उसका टांग एक टूट गया है, बाकी तो उसको लेके एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले गए हैं। सिटी कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई, जियापोता लक्सर रोड के पास एक डंपर छोटा हाथी की टक्कर होने के कारण चालक फंसे होने की सूचना पर फायर सर्विस यूनिट तत्काल रेस्क्यू उपकरणों के सहित। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपको उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। काशीपुर में केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए लॉकडाउन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि पुलिसकर्मी लगातार अपने फर्ज के आगे अपने परिवार और सुख दुख को भूलकर वायरस की चेन तोड़ने में अहम योगदान दे रहे थे, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए समाज सेवी और निजी हॉस्पिटल संचालक मुकेश चावला ने एक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की चिंता व्यक्त करते हुए निशुल्क जांच की गई। लोगों को बचाने में कई पुलिस कर्मचारी और अधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए, लेकिन पुलिस विभाग ने अपना कर्तव्य जारी रखा। तो वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की चिंता व्यक्त करते हुए निजी अस्पताल के संचालक मुकेश ने निशुल्क जांच शिविर लगाया, जिसमें अस्पताल प्रबंधन की तरफ से पुलिस कर्मियों की निशुल्क जांच की जा रही है। द्वारा लॉकडाउन किए होने पर कोरोना वायरस के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे पुलिस प्रशासन की समस्त प्रकार की जांचें निशुल्क की जाएंगी। उनको यहाँ बुलाया आएंगे वो, और जो हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें चेस्ट एक्सरे है, सीटी स्कैन है, चेस्ट का, लीवर की जांच है, किडनी की जांच है, जिसको जो भी दिक्कत होगी उसकी हर तरह की। वहीं पुलिस महानिरीक्षक देहरादून के निर्देश पर मसूरी पुलिस ने नशे के विरुद्ध पार्लोगंज में जागरूकता अभियान ऑपरेशन सत्य चलाया, जिसके तहत आम जनता को नशे से होने वाले बुरे प्रभावों को लेकर जानकारी दी गई। तो साथ ही नशे का अवैध व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जन सहयोग की अपेक्षा की गई। इस मौके पर SI नीरज ने लोगों को इकट्ठा कर नशे के सेवन से होने वाले बुरे परिणामों की जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर नशे के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है, वहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पूरे जनपद में मादक पदार्थों के अवैध बिक्री और खेती पर अंकुश लगाने का अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। ये उप महानिरीक्षक महोदय के नेतृत्व में जो है ऑपरेशन सत्या एक अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है अवैध रूप से मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, खेती करने वाले, भंडारण इत्यादि करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, जिसके नोडल अधिकारी हमारे SP क्राइम साहब हैं। इसी क्रम में जो है मसूरी में भी अब जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। ऑपरेशन सत्य को सफल बनाने के लिए सहयोग देने के लिए कहा गया तथा जगह जगह पर हमने जो है मुखबिर मामूर किए। वहीं टिहरी में NH-94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण से मकानों को खतरा पैदा हो गया है। चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए टनल को जाने वाले रास्ते से गुल्डी गांव में एक मकान का कुछ हिस्सा धस गया, जिससे ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है।
वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि कार्यदायी संस्था और बीआरओ की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं बीआरओ के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है। इस बारे में हमारा जो है ये सोनू सिद्धवान जी का जो है मुझे शनिवार शाम को फ़ोन आया था कि ऐसी ऐसी पोजीशन हो रही है, अब उसको जो है कंपनसेशन दे, तो कंपनसेशन के बारे में हमारा जो शासन से निर्देश होगा, अभी डीएम साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में जो है पॉइंट उठाया है और वो प्रस्ताव भेजे हैं, कुछ आगे भी जो ऐसे कोई प्रस्ताव होंगे जो रोड से बाहर वाले होंगे उसके अनुसार जो भी शासन के दिशा निर्देश होंगे उसी अनुसार जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे जो सोनू सिद्धवान जी का मकान है इसमें जो है दरारें आ रखी हैं, अब ये किस कारण आई है ये तो इसके बारे में तो गहन उसका सर्वे करना, कुछ डिटेल में जाना तभी बता सकते हैं, लेकिन जो प्रतीत हो रहा दरारें आई हैं अभी, इसके लिए हम जो है आगे अपने उच्च अधिकारियों को जो है अवगत कराएंगे और जैसा भी दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार करेंगे। एक सर ये भी बात आ रही है जो यहाँ पर पुस्तें लगाए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं गाँव के कई रास्ते हैं जो कि पूर्ण रूप से अभी तक बनाए नहीं गए हैं, एक एक दो दो सीढ़ी बनाकर छोड़ दिए गए हैं, और हमारा राजस्व गांव मठाण गांव है इसमें कई बार का सर्वे शासन प्रशासन द्वारा किया जा चुका है लेकिन इसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई भुगतान के रूप में नहीं की गई है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और आज हमारे द्वारा यहाँ पे बीआरओ को और भारत कंपनी को ज्ञापन दिया गया है इस मामले में। एनएच की सुरंग के लिए जा रखी है इसमें, और पूरा जहाँ जहाँ भी एनएच की रोड बननी इससे बहुत जो वहाँ के बाशिंदे उन्हें बहुत नुकसान बनना है। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ही जो आवासीय भवन है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, मैंने लिखित तौर पे भी और मौखिक तौर पे भी, लिखित तौर पे जिलाधिकारी महोदय को दिया और मौखिक तौर पर मैं बीआरओ को बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ भी यहाँ से आते हैं रोकता हूँ उनकी गाड़ी, उन्हें दिखाते हैं, लेकिन यह लोग बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। शासन प्रशासन की कार्रवाई जो भी हुआ शून्य है, लेकिन यदि ये लोग तभी चाहते हैं कि जब किसी का मकान पे कोई क्षति हो जाए या कोई जन धन की हानि, शायद इसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कई बार बोला मेरा लैट्रिन पीट है, चाहे मैं यहाँ आवासीय पूरी दरारें पड़ गई, लैट्रिन पीट पूरा ध्वस्त हो गया, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन मुझे कल काम रोकना पड़ा, लेकिन तभी भी कोई ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मुझे मेरी मजबूरी हो जाएगी मैं अपने परिवार से ही धरना स्थल पर बैठ जाऊँ, नीचे धरना दे दूँ। उधर रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा गांव में देसी शराब के ठेके पर एक शराबी युवक ने हंगामा करते हुए धारदार हथियार से हमला किया। अच्छी बात यह रही कि इस हमले में किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी युवक भाग गया, अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार शराबी युवक फ्री में शराब मांग रहा था, ठेके के कर्मचारियों ने जब फ्री में शराब देने से मना कर दिया तो युवक अपने साथियों के साथ धारदार हथियार लेकर ठेके पर पहुंचा और ठेके में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। ढंडेरा फाटक की दुकान है, शराब देसी शराब की दुकान है, तो यहाँ पे एक आदमी था जो इस गेट से आया था, उसकी यहाँ पे खड़े होकर किसी आदमी से बहस हुई और जो जिससे बहस हुई वो चला गया यहाँ से, तो उसने गाली गलौज होने के बाद में वो लड़का दूसरे रास्ते से फरसा ले गया और फरसा ले आने के बाद में ठेके पर आया, ठेके पर आने के बाद में उसने गाली गलौज करी, गाली गलौज करने के बाद उसने दुकान पे भी एक दो के ऊपर वार किया, वो बच गए। बचने के बाद में हमने कहा भाई हमारा तो झगड़ा नहीं हुआ, जिसे तुम्हें करना हो कर लो, पर वो दुकान से निकल गया। आगे जाने के बाद में उससे किसी से मारपीट हुई क्या हमें पता नहीं है। रात को सूचना मिली थी कि एक युवक देसी शराब के ठेके के पास जा कर के और शराब पी करके उसने गाली गलौज और लोगों के साथ झगड़ा किया है। सूचना पर पुलिस तत्काल गई थी लेकिन युवक पुलिस के आने से पहले भाग चुका था। आज एक कंप्लेन आई है जिसमें उनके द्वारा एक संजू राणा स्थानीय युवक को नामजद करते हुए तहरीर दी है और बताया कि अपने साथियों के साथ आया था और उसके द्वारा फ्री में शराब मांगने को लेकर के मारपीट की और वहाँ तोड़फोड़ की गई है। उनके शिकायत का संज्ञान लिया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है, जो भी अभी। और इसी के साथ ही अपनों उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।